तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वेब टेक क्लासेस। दोस्तों, आप भी अगर इस तरह का एक फॉर्म बनाना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने स्कूल के लिए, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और इस तरह का एक एडमिशन फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एमएस वर्ड की मदद से आप कैसे इस तरह का एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं। तो चलिए, वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए, और एमएस वर्ड ओपन होते ही आपको सबसे पहला जो काम करना है वो पेज का बॉर्डर, ठीक है। आपको पहले पेज पर बॉर्डर लगाना है। तो पेज बॉर्डर लगाने के लिए आप यहाँ पेज लेआउट पर चले जाइए, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेज बॉर्डर का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, आपको जो भी जैसा भी बॉर्डर लगाना हो, यहाँ देखिए कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं अभी सिंपल पेज बॉर्डर लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेशनल एक एडमिशन फॉर्म बन रहा है। और यहाँ पर बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको बता देगा कि आपका ये चारों तरफ जो है वो आपका बॉर्डर लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे में आके ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे, आप देखिए आपका यहाँ पर पेज बॉर्डर जो है वो लग चुका है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है और यहाँ पर मार्जिन काफ़ी बचा है, तो आपको मार्जिन की भी सेटिंग करनी है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ से आप स्केल को थोड़ा सा यहाँ इस तरफ करके लेफ्ट की तरफ बढ़ा दीजिए, ताकि आपका जो मार्जिन है वो यहाँ से देखिए ज़्यादा भाग जाएगा। तो इसको थोड़ा आप ऐसे सेटिंग कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका जो भी टाइप होगा वो इसी के अंदर में होगा। तो इस तरह करके आप इस तरफ राइट भी कर लीजिए और लेफ्ट साइड भी इसी तरह सेम टू सेम आपको कर लीजिए, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। और टॉप और बॉटम पर भी आप इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए। तो नीचे देखिए, पेज के नीचे मैं आता हूँ, तो पेज के नीचे भी यहाँ पर है, ठीक है, रूलर, इस पर आप सेटिंग इस तरह करके कर लीजिए। अब दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जो भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, उसका आपको यहाँ पर ऊपर में हेडिंग देना है। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर होम पर चले जाएंगे, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर अलाइनमेंट का, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। तो आप एक बार कीबोर्ड से Ctrl+E जैसे ही प्रेस करेंगे, तो आपका जो कर्सर है वो सेंटर पर आ जाएगा। अब आपको दोस्तों अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख देना है, तो आप इसको कैपिटल में लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया वेबटेक क्लासेस। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, इसे माउस की हेल्प से इस तरह करके सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको जो इसका साइज है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फॉन्ट का जो साइज है वो आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए अपने अनुसार, जितना भी आप रखना चाहें उसको रख सकते हैं। और अगर दोस्तों, अगर आप फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज करना चाहें, तो देखिए यहाँ पर कई सारे फॉन्ट के स्टाइल दिए हुए हैं, तो चलिए इनमें से कोई एक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट इसी के बगल में अंडरलाइन का ऑप्शन है, ठीक है, तो आप इसको एक बार यहाँ पर क्लिक करके इसे अंडरलाइन भी कर लीजिए, ताकि आपका देखने में थोड़ा अच्छा लगे। अब दोस्तों, आपको इंटर प्रेस करना है, ठीक है, और इंटर प्रेस करते ही यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दे दीजिए, जो उनका मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो इनका मोबाइल नंबर, ठीक है। और इसके बाद आप सेमी कॉलन का साइन दे दीजिए, और जो भी उनका नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके मैं कुछ नंबर्स यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद आपको अगर दो नंबर है, तो आप यहाँ पर कॉमा देके एक नंबर और चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों करके आप यहाँ पर उनका नंबर डाल दें। इसको भी आप चाहें तो इसका फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर दीजिए, ताकि यहाँ पर देखने में अच्छा लगे, ठीक है, क्योंकि ये फ़ोन नंबर है, तो यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं। और अगर बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो इन गैप को कम करने के लिए आपको क्या करना है, इन सबको एक बार में आपको माउस से सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग का, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर है लाइन स्पेसिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो आपका आफ्टर का एक ऑप्शन है, इस पर आप एरो से ऐसे क्लिक करेंगे, तो आप देखिए नीचे में आपको देखने को मिलेगा, और डाउन एरो पर करेंगे, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऊपर के एरो पर क्लिक करता हूँ तो गैप ज़्यादा हो जाता है, और नीचे के एरो पर क्लिक करता हूँ तो गैप कम हो जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए अपने अनुसार कितना सेटिंग करना चाहे, तो आप इसे कर लीजिए और सिंपली आप यहाँ पर ओके कर दीजिए, तो आपका जो यहाँ पर गैप है वो थोड़ा कम हो जाएगा। दोस्तों, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, आपको अपना इंस्टीट्यूट का या जिसके ऑर्गेनाइजर का बना रहे हैं उसका आप यहाँ पर लोगो लगा लीजिए, ठीक है। तो लोगो लगाने के लिए आपको चले जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर का, तो इस पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे, और जहाँ भी आपने अपना लोगो रखा हुआ है कंप्यूटर में, वहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ एक लोगो रखा हुआ है, और मैं यहाँ से इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ।
अब दोस्तों इस लोगो आपका बड़ा है, ठीक है, तो इस लोगो को आपको छोटा करने के लिए यहाँ से इस तरह करके आप माउस की मदद से इसे ड्रैग कीजिए, ठीक है, और अगर इसे छोटा करना चाहें तो और भी इसे छोटा कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पोजीशन का, इस पोजीशन पर आपको क्लिक करना है और आप जहाँ भी इस लोगो को लगाना चाहते हैं आप उसके अनुसार लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों हमारा जो लोगो है वो सही जगह पर लग चुका है। अब आप चाहें तो इसे थोड़ा और अपने अनुसार छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों लोगों को आप इस तरफ करना चाहते हैं, अगर राइट के साइड, सॉरी लेफ्ट के साइड करना चाहते हैं, तो आप इस तरफ कीजिएगा तो आपका थोड़ा लोगो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार इसको छोटा बड़ा या एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक हम लोग लाइन खींच लेंगे, है ना, और एक लाइन खींचने के बाद अब हम लोग यहाँ से फॉर्म बनाना चालू कर देंगे। तो देखिए लाइन खींचने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट पर जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव का, सेव पर क्लिक करना है। और देखिए दोस्तों आपको यहाँ फर्स्ट में ही लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर नहीं है तो यहाँ भी आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो इस लाइन को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से दोस्तों आपको लेकर एक यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो आप थोड़ा सा अगर एक सीधा लाइन आप इस तरह खींच के आप सेट कर लीजिए, अगर दोस्तों अगर आपको ऊपर नीचे लगता है तो आप इसको थोड़ा अपने अनुसार ऊपर नीचे माउस की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने इस तरह का एक लाइन खींच लिया। अगर आप इस लाइन को चाहें तो कुछ अलग कलर का भी दे सकते हैं। आप यहाँ फॉर्मेट पर चले जाइए, ठीक है, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट पर चले जाइए और यहाँ पर अगर आप चाहें तो जो भी कलर देना चाहें तो यहाँ पर आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पर रेड कलर सेट कर दिया है। और अगर अगर आप चाहें दोस्तों तो थोड़ा सा आप लाइन को थोड़ा ऊपर का भी कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा अभी हम लोग को काफ़ी कुछ यहाँ पर नीचे में लिखना है, तो एक पेज को आप बचा के ही चलना सर ठीक रहेगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक लाइन बना लिया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर एडमिशन फॉर्म लिख लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करना है या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से एडमिशन MISSION एडमिशन फॉर्म, ठीक है, इस तरह करके आप हेडिंग दे लीजिए। और इसके बाद दोस्तों आपको इसको इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए माउस से, और थोड़ा साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना चाहें तो यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको अगर आप अंडरलाइन करना चाहें तो इसको अपने अनुसार अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर अंडरलाइन का ऑप्शन दिया हुआ तो चलिए मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। अगर अंडरलाइन आपको नहीं करना है तो इसके जगह पर आप यहाँ पर देखिए टेक्स्ट हाईलाइटर का एक कलर दिया हुआ है, तो इसको पहले आप इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ब्लैक कलर में है, ठीक है, बहुत सारे कलर में, जिसमें जिस कलर में भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर ब्लैक एंड व्हाइट निकाल रहे हैं तब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कलर में निकाल रहे हैं तो आप इस तरह करके फॉर्म का कलर को, हाईलाइटर कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट कलर को चेंज करना चाहें तो फिर से आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको टेक्स्ट भी कलर मिल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर रेड कलर है और भी बहुत सारे कलर हैं, तो जो कलर आप चाहें तो इसको यहाँ पर इस तरह सेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने एडमिशन फॉर्म को लिख लिया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम लोग एडमिशन डेट और कोर्स नेम के बारे में जानकारी देंगे, जो ऑफिस यूज़ के लिए होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप चले जाइए यहाँ पर इंसर्ट में और शेप्स में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, इसके बाद आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स का, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और माउस की हेल्प से आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसके बाद आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर ऑफिस यूज ओनली, ठीक है। अब इसे आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस ई, तो आपका जो सेंटर पर आ जाएगा टेक्स्ट। और इसे मैं सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस बी इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। और अंडरलाइन करना चाहे तो कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो आप ये आपका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको इंटर प्रेस कर लेना है और अब आपको यहाँ पर डालना है इसका एडमिशन डेट जो आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एडमिशन डेट डाल लेते हैं, इसके बाद सेमी कॉलोन का यहाँ साइन दे देते हैं और यहाँ पर आप इस तरह कीबोर्ड पर एक आप स्पेस बार भी दे सकते हैं, या स्पेस बार नहीं दे के आप इस तरह का एक ब्लैंक स्पेस आप छोड़ दीजिए, ठीक है, जो आपको वो डेट फिल करने के काम में आएगा। इसके बाद आप इंटर प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर आप डाल लीजिए कोर्स नेम, ठीक है, मैंने यहाँ कोर्स नेम फिर सेमी कोलन लगा दीजिए और उसी तरह यहाँ पर ब्लैंक आप बना दीजिए ताकि जिनको फिल करना होगा वो ऑफिस यूज़ यहाँ पर फिल कर लेंगे।
तो देखिए मैंने इस तरह दोस्तों बना लिया है, ठीक है। अब इसे आप थोड़ा एडजस्ट करना चाहें तो, या साइज को छोटा करना चाहें तो आप यहाँ पर फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए, थोड़ा देखने में भी आपको जगह भी मिल जाएगा काफ़ी, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा और ऐड कर लेता हूँ, और इसे भी हम लोग और थोड़ा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको आपको यहाँ पर एक बार माउस से बाहर में, टेक्स्ट बॉक्स से बाहर में क्लिक कर लेना। तो देखिए ये आपका रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी होंगे अधिकारी या ऑफिस यूज के जो ऑफिस काम करते हैं, वो यहाँ पर उनका एडमिशन डेट और कोर्स जो वो कर रहे हैं उनको यहाँ पर वो फिल कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो स्टूडेंट होंगे उनका कैंडिडेट का यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। तो उनके लिए भी यहाँ जगह छोड़ना होगा, तो उसके लिए आप इंसर्ट में चले जाइए और सेव्स में चले जाइए, और यहाँ से भी एक टेक्स्ट बॉक्स आप ले लीजिए, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप यहाँ पर एक ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, इस तरह का। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़ा इसको एडजस्ट करना चाहें तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो भी पासपोर्ट साइज का फोटो होगा तो आप यहाँ पर लिख दीजिए फोटो, ठीक है, इस तरह करके आप फोटो लिख दीजिए, कैपिटल में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और इस तरह करके फोटो आपको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद इसे कंट्रोल प्लस ई कर लीजिए ताकि थोड़ा सेंटर पर आ जाए, और यहाँ पर आप कर्सर रख के एंटर अगर प्रेस करते हैं तो थोड़ा बीच में भी आ जाएगा, तो इस तरह बीच में कर लीजिए ताकि जो फोटो यहाँ पर लगाएंगे उनको पता रहे कि यहाँ पर आपको फोटो को चिपकाना है। तो इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं नीचे में, और सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना है कैंडिडेट का जो हमारा नेम रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, और सेमी कॉलन दे दीजिए। थोड़ा साइज अगर दोस्तों फॉन्ट आपको साइज बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर लीजिए, थोड़ा साइज अच्छा रहेगा, ठीक है। और दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर दो तरीका है, अगर हम चाहें तो जैसे हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा हुआ है इसी तरह हम भी यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं नाम को, नेम को फिल करने के लिए। और अगर चाहें तो आपने दोस्त देखा होगा दोस्तों कई सारे फॉर्म में बॉक्स बॉक्स जैसे बने रहते हैं जिसमें आपको अलग अलग लेटर लिखना होता है, तो हम लोग उसी तरह का बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में आप चले जाइए, सेव्स में चले जाइए, और यहाँ पर ये बॉक्स मिलेगा रेक्टेंगुलर, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, और माउस की हेल्प से आपको इस तरह करके इसे ड्रॉ कर लेना है। अब दोस्तों ड्रॉ करने के बाद देखिए आपका ये कलर जो ब्लू है तो इसे व्हाइट करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शेप फिल का, इस पर आप व्हाइट पर आके कलर को चूज कर लीजिए, देखिए आपका व्हाइट हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका व्हाइट लाइन है जो यहाँ पर आउटलाइन है इसका, इसको आपको ब्लैक करना होगा, तो ब्लैक करने के लिए आप यहाँ पर शेप आउटलाइन पर आ जाइए, और यहाँ पर आप ब्लैक कलर को चूज कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों साथ ही यहाँ पर आपको इसका साइज भी मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको साइज को भी थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। तो देखिए मैंने साइज को भी यहाँ छोटा कर लिया, और कलर अभी दोस्तों ब्लू है, अगर चाहें तो कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ, तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर ब्लैक कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको और भी बॉक्सेस यहाँ बनाने होंगे क्योंकि नाम तो काफ़ी लंबा होता है, तो इसके लिए दोस्तों आपको बार बार इंसर्ट में जाके सेव्स में जाके रेक्टेंगुलर बॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार माउस से इस पर क्लिक करना है, तो इस तरह ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करना है, और इसकी एक कॉपी यहाँ पर बना लेनी है। तो देखिए यहाँ पर इसकी एक और कॉपी बन चुकी है, इसी तरह इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, और कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्रेस कीजिए, और यहाँ भी एक कॉपी आप बना लीजिए, और दोनों को आप कीबोर्ड को मतलब कंट्रोल को और माउस को एक साथ छोड़िए, तो देखिए इस तरह का आपका ये कॉपी बनता जाएगा। अब दोस्तों इसका हम लोग को बार बार इस तरह बॉक्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्या करना है तीन तीन बॉक्स करके भी बनाना है तो आप उससे वैसे भी बना सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इन तीनों को आपको एक बार में सेलेक्ट कर लूंगा, तो सेलेक्ट करने के लिए मुझे कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस रखना है, और इससे माउस की मदद से इसे ऐसे आप सेलेक्ट करते जाइए। तो देखिए मैंने कंट्रोल को प्रेस रखा है और इन तीनों को माउस की मदद से सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों आपको कंट्रोल आप छोड़ सकते हैं, फिर से आपको कंट्रोल प्रेस करना है, और माउस की मदद से आपको इस तरह ड्रैग करते हुए यहाँ से आपको इस तरह लाना है और इसे छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी कॉपी है वो बन चुकी है, तो आप इस तरह चाहें तो आप सबको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं कंट्रोल को प्रेस करता हूँ और इन सबको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद फिर मैंने कंट्रोल को छोड़ा और फिर से कंट्रोल को प्रेस करते और माउस की मदद से आप इसको ड्रैग करते हुए इस तरह करके लाके छोड़ सकते हैं। तो इस तरह करके दोस्तों आप यहाँ पर जितना भी बॉक्सेस बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं और भी बॉक्सेस बना लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने इस तरह का बॉक्सेस बना लिए, अगर आप चाहें और अगर नाम अगर लंबा होता है तो और भी बॉक्सेस बना सकते हैं, तो आप इन सबको एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं कैसे करता हूँ,
अब देखिए मैंने कंट्रोल की मदद से सबको सेलेक्ट कर लिया है। फिर से मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इसका भी एक डुप्लीकेट कॉपी मैं इस तरह बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने छोड़ा तो इस तरह करके देखिए आपका ये डुप्लीकेट कॉपी भी इसका बन गया। तो देखिए कितना आसान है दोस्तों ये बॉक्स बनाना। बार बार आपको इंसर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इस तरह करके आसानी से बॉक्स को बना सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं। नेम हमने लिख लिया, फादर्स नेम को यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। तो फादर्स नेम हम लोग यहाँ पर डाल लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा जगह का कम पड़ रहा है तो हम लोग जगह के लिए थोड़ा सा और एक बार और इंटर प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग फादर्स नेम भी डाल लेंगे। तो यहाँ ये लगा दीजिए, आप कॉमा लगा दीजिए और यहाँ एस लिख दीजिए और यहाँ पर नेम डाल दीजिए। इसके बाद सेमी कॉलन और इसी तरह बॉक्स के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पहले 2 से 3 बॉक्स आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद चाहे तो और भी बाद में यहाँ पर बॉक्स हम लोग ऐड कर देंगे। तो इस तरह करके देखिए यहाँ पर मैंने बॉक्स को सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आप इसका भी अगर कॉपी बनाना चाहते हैं तो फिर से आप कंट्रोल प्रेस कीजिए और इसके भी इस तरह करके आप यहाँ पर कॉपी बना लीजिए। ठीक है, और इसे भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो और लंबा करना चाहें तो और लंबा भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और भी हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर मदर्स नेम आप डालना चाहें या फॉर्म में, आप जानते होंगे कि जो जो आपको फॉर्मेट मिला है कंपनी तरफ से तो आप उस समय फॉर्म में सारे डिटेल्स को डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग और भी कुछ, तो आप देखिए दोस्तों मैंने इस तरह का अपना एक फॉर्म रेडी कर लिया है। मैंने थोड़ा वीडियो को स्किप कर दिया था ताकि आपको वीडियो थोड़ा बोरिंग ना लगे और सेम टू सेम जैसे मैंने प्रोसेस ऊपर आपको बताया था उसी तरह मैंने यहाँ पर तैयार किया। जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं मैंने इसमें क्या क्या डाला हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, इन सब का भी यहाँ कॉलम डाल दिया है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैंने डाल दिया है। आधार नंबर अगर आप डलवाना चाहते हैं अपने एडमिशन फॉर्म में तो यहाँ उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे में आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी मैंने डाल दिया है, जो पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, और अगर थम इम्प्रेशन होगा तो यहाँ पर आप थम इम्प्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने से मन चाहे जो भी एडिशनल चीज़ चाहे इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि देख लीजिए आप एक बार फॉर्म कैसा लग रहा है। तो मैं आपको इसका एक प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं हम लोग फाइल में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फॉर्म जब प्रिंट होगा तो किस तरह से दिखेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को फॉर्म इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर होम पर चले जाते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए, अब मैं बताता हूँ कि आप इसको प्रिंट कैसे करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+P। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको देखिए इस तरह का एक खुल जाएगा। इसके बाद आपको जितनी इसकी कॉपी निकालनी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको 5 कॉपी निकालनी या 10 कॉपी निकालनी तो आप यहाँ पर 10 लिख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पेज का जो सेटअप है वो उसको करना है। तो देखिए यहाँ पर A4 साइज पहले से किया हुआ है। ठीक है, और भी इसमें कोई भी सेटिंग नहीं है, बस A4 साइज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जनरली A4 साइज का ही यूज होता है। और जो भी आपका इसमें से प्रिंटर कनेक्टेड है उस पर आप क्लिक कीजिए और सीधे आपको इंटर प्रेस कर देना है और आपका प्रिंटिंग चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी आसानी से आप अपने एमएस वर्ड की मदद से आप फॉर्म बना सकते हैं, एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आप कितना इजी है बनाना। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।